हम सब ने नेटफ्लिक्स पे आई द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनोर को जरूर देख रखा होगा और तब भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि कैसे ब्लाई मैनोर की कहानी द टर्न ऑफ द स्क्रू नॉवेल से इंस्पायर्ड है। तब मैंने द टर्न ऑफ द स्क्रू की कहानी का जिक्र जरूर किया था लेकिन हमने उस पर क्लियरली बात नहीं की थी, इसलिए आज की वीडियो में हम नॉवेल द टर्न ऑफ द स्क्रू की कहानी को अच्छे से समझेंगे। यानी एक तरह का ये वीडियो पॉडकास्ट है, ऑल्दो आपको इमेजेस देखने मिलेंगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की मेन कैरेक्टर एक गवर्नेस है जिसे जॉब की तलाश होती है और इसी सिलसिले में वो एक एम्प्लॉय से मिलती है जो उसे बताता है कि उसे अपने दो बच्चे फ्लोरा और माइल्स की देखभाल के लिए एक गवर्नेस की नीड है। वो गवर्नेस से कहता है कि काम को करने के लिए जो भी गवर्नेस आएगी उसे इन दोनों बच्चों की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और किसी भी हाल में वो बच्चों के पेरेंट्स को परेशान नहीं करेगी, यानी कि जो भी इशू होगा वो गवर्नेस खुद ही मैनेज करेगी। अब इस काम के लिए उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, जस्ट दैट उसे एक बात ठीक से याद रखना है कि किसी भी हाल में पेरेंट्स को परेशान नहीं करना है। अब गवर्नेस को ये कंडीशन सही लगते हैं इसलिए वो मान जाती है। हम फ्लोरा माइल्स से मिलते हैं जो कि दोनों ही बहुत वेल मैनर्ड बच्चे हैं। फ्लोरा एक 8 साल की बच्ची है और माइल्स 10 साल का एक छोटा बच्चा है, एंड समहाउ इतने छोटे बच्चों के लिए इतना वेल मैनर्ड होना बहुत अनयूजुअल था। इसके बाद हम मिसेस ग्रोस से मिलते हैं जो कि इस घर की हाउसकीपर है। इसके बाद हमें पीटर क्विंट के बारे में पता चलता है जो कि फ्लोरा और माइल्स के अंकल का पर्सनल सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन अब पीटर क्विंट को मरे हुए 1 साल हो चुके हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें मिस जसल के बारे में भी पता लगता है जो कि फ्लोरा और माइल्स की प्रीवियस गवर्नेस हुआ करती थी और सरप्राइजिंगली इनकी भी ठीक 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। अब यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुराने से घर को देखते हैं जहां अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ है और वो लोग एक दूसरे को घोस्ट स्टोरी सुना रहे हैं। इन्हीं स्टोरी में से एक स्टोरी एक बच्चे की स्टोरी होती है जिसे घोस्ट्स दिखाई दिया करते थे और ये सुनकर ही सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। अब इसी ग्रुप में एक डगलस नाम का एक आदमी होता है जो सोचता है कि अगर ऐसी कहानी सुनकर ये लोग इतना डर गए जहां एक बच्चे को घोस्ट इनकाउंटर्स होते हैं, तो ऐसी कहानी सुनकर इन लोगों का क्या होगा जहां एक नहीं बल्कि दो बच्चों को घोस्ट इनकाउंटर्स होते हैं। इस पर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और डगलस से कहते हैं कि प्लीज शेयर द स्टोरी। डगलस ने बताता है कि ये कहानी मेरी सिस्टर की गवर्नेस की है जिसकी 20 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। ये कहानी उन्होंने ही मुझे बताई थी। डगलस बताता है कि ये कहानी सुनाने के लिए उसे उस गवर्नेस के लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट मंगानी पड़ेगी। तो मैन्युस्क्रिप्ट लाई जाती है जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है। सो कहानी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि गवर्नेस एम्प्लॉयड के सभी शर्त मान गई थी और उन बच्चों की देखभाल के लिए वो कंट्री हाउस पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात सबसे पहले फ्लोरा से होती है जो कि गवर्नेस को बहुत ही स्वीट लगती है। इसके बाद वो मिसेस ग्रोस से मिलती है जो कि यहां हाउसकीपर है। गवर्नेस मिसेस ग्रोस से माइल्स के बारे में पूछती है, जिस पे मिसेस ग्रोस से बताती है कि माइल्स एक स्वीट बच्चा है और अपनी सिस्टर फ्लोरा की तरह ही वेल मैनर्ड है। अगले सीन में गवर्नेस को एक लेटर रिसीव होता है जो कि उसे लंदन से उसके एम्प्लॉय ने भिजवाया था। इस लेटर में एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि ये लेटर मैंने भेजा है ये माइल्स के स्कूल से है और अनओपेंड है, इसे आपको पढ़ना होगा और जो भी मैटर इसमें लिखा है उससे आपको अपने लेवल पे डील करना होगा। गवर्नेस वो लेटर पढ़ती है और उसे पता चलता है कि माइल्स को स्कूल से निकाला जा चुका है। ये पढ़कर गवर्नेस को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर माइल्स इतना अच्छा बच्चा है तो उसे स्कूल से निकाल क्यों दिया गया। गवर्नेस मिसेस ग्रोस के पास जाती है और उससे पूछती है कि प्रीवियस गवर्नेस को यहां से क्यों निकाल दिया गया। मिसेस ग्रोस बताती है कि प्रीवियस गवर्नेस मिस जसल वेकेशन पे गई थी और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि वो वापस आकर अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करेगी, लेकिन वेकेशन पे ही उनकी मौत हो गई एंड द रीजन ऑफ डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब ये इनकम्प्लीट डिटेल्स जानने के बाद गवर्नेस फर्स्ट टाइम माइल्स से मिलती है। माइल्स बहुत ही अच्छी तरह बिहेव कर रहा था और उसे देखकर गवर्नेस सोचती है कि जरूर स्कूल की प्रिंसिपल से कोई मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि माइल्स इतना अच्छा है वो ऐसा क्या ही कर देगा कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। वेल वो उन दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी और अपने हेक्टिक टाइम से वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती है जो कि लेट आफ्टरनून का था। इस समय वो बाहर लॉन में वॉक किया करती थी। इसी तरह एक दिन घूमते हुए वो एक घर के ऊपर एक टावर पर एक स्ट्रेंज आदमी को खड़ा देखती है। वो आदमी वहां से गवर्नेस को भी स्टेयर कर रहा था जो कि गवर्नेस को काफी डिस्टर्बिंग लगता है और उसे फील होता है कि इस घर के साथ कुछ तो सीक्रेट छिपा हुआ है, यानी कि कोई बात है जो उससे छिपाई जा रही है। अब यहां हमें पता चलता है
कि गवर्नेस की पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब थी और उसके घर के हालत ठीक नहीं थे, येट वो अपने काम में अपना बेस्ट दे रही होती है। इस तरह एक संडे सभी लोग चर्च विजिट पे जाते हैं, जहाँ सब लोग बाहर जाते हैं और इसी बीच गवर्नेस को याद आता है कि वो अपने ग्लव्स अंदर ही भूल गई है। यहाँ जैसे ही वो डाइनिंग रूम में आती है, उसके बाहर दूर खड़े एक आदमी पड़ती है जो कि घर के अंदर ही देख रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही स्ट्रेंज मैन था जिसे उसने लास्ट टाइम टावर के ऊपर देखा था। अचानक वो देखती है कि वो स्ट्रेंज मैन घर के अंदर उसे नहीं देख रहा था बल्कि उसकी नजर माइल्स पर थी। अब गवर्नेस जब बाहर आती है तो मिसेस ग्रोस उसे देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि समाव गवर्नेस की स्किन पेल व्हाइट टर्न हो गई थी और इसे देखकर मिसेस ग्रोस डर गई थी। नाउ स्ट्रेंज आदमी को देखने के बाद गवर्नेस इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि वो चर्च जाने से ही मना कर देती है। गवर्नेस मिसेस ग्रोस को उस आदमी के बारे में बताती है, जिसमें मिसेस ग्रोस उनसे पूछती है कि क्या आपको स्ट्रेंज मैन के बारे में कोई डिटेल याद है। गवर्नेस बताती है कि उस स्ट्रेंज मैन का बाल लाल था और वो वेल ड्रेस्ड था, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी शक्ल से वो कहीं से भी एक अच्छा आदमी नहीं लग रहा था। ये सब सुनने के बाद मिसेस ग्रोस कहती है कि जिस तरह के डिस्क्रिप्शंस आपने दी हैं, उससे सुनकर लगता है कि आपने पीटर क्विंट को देखा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि पीटर क्विंट की मौत तो एक साल पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर गवर्नेस मिसेस ग्रोस से पीटर क्विंट के बारे में और डिटेल्स पूछती है, जहां मिसेस ग्रोस उन्हें बताती है कि पीटर क्विंट अच्छा इंसान नहीं था। पीटर का मिस जिसल के साथ अफेयर भी चल रहा था और उन दोनों से ही बच्चे बहुत घुल मिल गए थे। मिसेस ग्रोस बताती है कि एक बार वो पीटर क्विंट के बारे में एम्प्लॉयर से कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन सिंस एम्प्लॉयर को किसी भी बात के लिए परेशान करना मना है, इसीलिए उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं समझा। गवर्नेस मिसेस ग्रोस को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि पीटर क्विंट का घोस्ट माइल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब उसे ऐसा क्यों लग रहा था वो उसे खुद भी नहीं क्लियर था। वो दोनों लगभग एक वीक तक पीटर क्विंट को अपने डिस्कशन का टॉपिक बनाए रखते हैं और इन्हीं बातों में मिसेस ग्रोस गवर्नेस को बताती है कि एक बार पीटर क्विंट नशे की हालत में घर वापस आ रहा था, जहां बर्फ पे पैर फिसलने से वो गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। अब कुछ दिन बाद गवर्नेस को ऐसा लगने लगा था कि पीटर क्विंट का घोष सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उन दोनों बच्चों को भी दिखाई देता है, और वो दोनों बच्चे पीटर क्विंट के घोष्ट से बातें वगैरह भी किया करते हैं। क्योंकि एक बार जब फ्लोरा लेक के पास थी, तब गवर्नेस को थोड़ी ही दूर पर मिस जेसल की घोष्ट दिखाई देती है और उन्हें ऐसा लगता है कि फ्लोरा भी उस घोष्ट को देख पा रही थी। वो अलग बात है कि फ्लोरा एक्ट ऐसे कर रही थी एज इफ वो उसे नहीं देख पा रही है, लेकिन बच्चे कितना ही एक्टिंग कर पाएंगे, पता चल रहा था कि किसी न किसी को तो वो देख पा रही है। इसके बाद गवर्नेंस मिसेस ग्रोस से माइल्स के बारे में फिर से इंक्वायरी करती है, जहां मिसेस ग्रोस बताती है कि माइल्स बहुत ही अच्छा बच्चा है, आज तक उसने कोई शैतानी नहीं करी, जस्ट एक बार उसने झूठ बोला था जब मिसेस ग्रोस ने उससे पूछा था कि क्या वो पीटर क्विंट के साथ था, जिस पे माइल्स लाइड कि वो उसके साथ नहीं था। वही एक दिन था जब माइल्स काफी रूड बिहेव किया था और उसने मिसेस ग्रोस से कहा था कि जैसे पीटर क्विंट एक सर्वेंट है, तुम भी एक सर्वेंट हो, तो अपनी लिमिट्स में रहो। अब एक रात को गवर्नेंस की नींद 1 बजे के आसपास खुलती है, जहां वो एक कैंडल लेकर नीचे जा रही होती है और वहां उसकी नजर पीटर क्विंट के घोस्ट पे पड़ती है, जो कि उसे ही घूर रहा था। गवर्नेंस उस घोस्ट को देखकर डरती नहीं और उसे स्टे बैक करती है, क्योंकि वो जानती है कि यहां एक इविल पावर है और उसे उससे लड़ना होगा। वो घोस्ट यहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद गवर्नेंस फ्लोरा के रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे फ्लोरा अपने रूम से बाहर किसी को घूरते हुए देखती है। गवर्नेंस बाहर देखती है और उसे एक लेडी अपना सर नीचे झुकाए रोती हुई दिखाई देती है, और ये और कोई नहीं बल्कि मिस जेसल की ही घोष थी। गवर्नेस फ्लोरा से पूछती है कि वो अपने बेड पर क्यों नहीं है और विंडो से बाहर क्यों देख रही है, जिस पर फ्लोरा बताती है कि उसे लगा कि गवर्नेस बाहर लॉन में वॉक करने गई होगी तो वो उन्हें ही देखने आई थी। इस पर गवर्नेस कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने अपने बेड पर पिलोज को ऐसे क्यों स्टैक कर रखा है जैसा कि लगे कि तुम बेड पर हो, यानी कि तुम कहीं भाग रही थी और यहां पे एविडेंस को मिटा रही थी। इस पर फ्लोरा बोलती है कि ऐसा इसलिए था कि आप मुझे वहां ना देखकर परेशान ना हो जाए। इस तरह एक रात वो फिर से फ्लोरा को अपने विंडो पर खड़ा देखती है, और इस बार वो ना तो माइल्स ना ही फ्लोरा किसी के रूम में नहीं जाती बल्कि एक फ्लोर ऊपर के रूम जाकर बाहर देखती है, एंड टू हर शॉक वहां लॉन में माइल्स इतनी रात गए वॉक कर रहा था और फ्लोरा उसे ही देख रही थी। खैर, तो नेक्स्ट डे गवर्नेंस माइल्स से पूछती है कि वो इतनी रात गए वहां लॉन में अकेले क्यों घूम रहा था। इस पे माइल्स उन्हें बताता है कि उसे ऐसा लगा एज इफ वो खुद लॉन में घूम रही होंगी और इसीलिए वो भी बाहर आ गया था। इस सटीक जवाब के बाद गवर्नेंस के पास और कुछ पूछने को नहीं बचा था। वेल, इसी तरह एक दिन गवर्नेंस मिसेस ग्रोस से घोष वगैरह की बात करते हुए वो एक बार के लिए सोचती है कि वो ये सब एम्प्लॉयर को बता दे, लेकिन अगले ही क्षण उसे याद आता है कि एम्प्लॉयर की शर्त ये थी कि कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए परेशान ना करे, जो कुछ भी हो रहा है अपने लेवल पे हैंडल करे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो चुप रहेगी। तो इसके बाद कई बार माइल्स ऑफ फ्लोरा अपने अंकल्स को लेटर लिखते हैं, जिसमें वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनसे मिलने आए, उन्हें विजिट करे, लेकिन गवर्नेस ये लेटर्स कभी भी आगे फॉरवर्ड ही नहीं करती थी। एक दिन वो लोग जब संडे को चर्च जा रहे होते हैं, तब माइल्स गवर्नेस से पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा, वो वापस कब स्कूल अटेंड कर पाएगा। गवर्नेस को समझ नहीं आता कि वो उसका क्या जवाब दे। वो माइल्स की इस बात से इतना डिस्टर्ब हो जाती है कि वो चर्च
कुछ सर्विस अटेंड ही नहीं करती और वापस घर आ जाती है। यहाँ घड़ाकर गवर्नेस को बच्चों के स्टडी टेबल के पास मिस जसल की घोस्ट बैठी हुई दिखाई देती है। गवर्नेस मिस जसल के घोस्ट से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। यह सुनते ही वो घोस्ट यहाँ से गायब हो जाती है। अब गवर्नेस यहाँ ये बात जानती थी कि मिस जसल का घोस्ट फ्लोरा को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ आई थी। तो इसे रोकने के लिए वो उसे क्वेश्चन करती है। खैर, नेक्स्ट सीन में जब गवर्नेस और मिस ग्रोस आपस में बात कर रही होती है, तब गवर्नेस उनसे पूछती है कि जब चर्च से वो इस तरह वापस आ गई थी तो क्या किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इस पर मिसेस ग्रोस उन्हें बताती है कि माइल्स ने उन लोगों को पहले ही समझा रखा था कि कोई भी गवर्नेस से इस बारे में क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। अब गवर्नेस मिसेस ग्रोस को मिस जसल के घोस्ट के साथ हुए अपने लास्ट एनकाउंटर के बारे में बताती है और उसे बताती है कि मिस जसल की घोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फ्लोरा को वापस से अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहती है और वो काफी टॉर्मेंटेड अपीयर हो रही थी। ये सब सुनकर मिसेस ग्रोस गवर्नेस से कहती है कि उसे माइल्स और फ्लोरा के अंकल को लेटर लिखकर ये सब बता देना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और गवर्नेस लेटर लिखकर रख लेती है लेकिन उसे अभी भी पोस्ट नहीं करती। मिसेस ग्रोस उससे पूछती है कि क्या उसने लेटर लिख लिया है। इन दोनों की बातें सुनकर माइल्स बहुत ज्यादा स्वीटली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और गवर्नेस को पियानो प्ले करके भी दिखाता है, लेकिन ठीक इस समय फ्लोरा कहीं मिसिंग हो गई थी। गवर्नेस को लगता है कि फ्लोरा मिस ग्रोस के साथ होगी, लेकिन कुछ देर बाद मिसेस ग्रोस बाहर से कहीं यहाँ आती है और उन्हें देखकर गवर्नेस समझ जाती है कि फ्लोरा पक्का मिस जसल के घोस्ट के पास है और वो तुरंत मिसेस ग्रोस को लेकर फ्लोरा को ढूंढने निकल जाती है। वो दोनों यहाँ से घर के पास वाले लेक के पास जाते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड बाय गवर्नेस फ्लोरा उसी लेक के पास मिलती है। वो देखते हैं कि फ्लोरा लेक के दूसरे साइड पर एक बोट से पहुंची हुई थी, लेकिन यहाँ शॉकिंग बात यह थी कि इतनी छोटी बच्ची उस बोट को रो करके लेक के अदर साइड कैसे ले गई। अचानक गवर्नेस मिसेस ग्रोस से कहती है कि उस तरफ देखो, मिस जसल की घोस्ट वहां खड़ी है, लेकिन मिसेस ग्रोस को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब गवर्नेस काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है क्योंकि उसे मिस जसल का घोस्ट साफ दिखाई दे रहा था लेकिन मिसेस ग्रोस उसे नहीं देख पा रही थी। इस इरिटेशन में फ्लोरा पे गुस्सा करते हुए चीखती है कि एक्सेप्ट करो इस बात को, तुम्हें मिस जसल की घोस्ट दिखाई देती है, लेकिन फ्लोरा साफ मना कर देती है और मिसेस ग्रोस फ्लोरा को यहाँ से वापस घर ले जाती है। घर आकर फ्लोरा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और मिसेस ग्रोस गवर्नेस को इन्फॉर्म करती है कि फ्लोरा काफी डरी हुई नजर आ रही है और उसे काफी तेज बुखार हो गया है। गवर्नेस मिसेस ग्रोस से पूछती है कि क्या फ्लोरा ने एक्सेप्ट किया कि वो मिस जसल के घोस्ट को देखती है। इस पर मिसेस ग्रोस बताती है कि ऐसा कुछ तो उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि वो गवर्नेस से अब मिलना भी नहीं चाहती क्योंकि गवर्नेस उससे डरावनी बातें करने लगी है भूत दिखने की एनॉल की। अब सिंस फ्लोरा की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, इसलिए गवर्नेस मिसेस ग्रोस से कहती है कि आप फ्लोरा को लेकर लंदन चले जाएं और यहां मैं माइल्स का ध्यान रख लूंगी। तभी गवर्नेस को उस लेटर का ख्याल आता है जो कि उसने एम्प्लॉय के लिए लिख कर रखा था, लेकिन वो लेटर अब गायब हो गया था। गवर्नेस को माइल्स पर डाउट होता है कि पक्का माइल्स ने वो लेटर यहां से गायब किया होगा। अब नेक्स्ट डे मिसेस ग्रोस और फ्लोरा के यहां से चले जाने के बाद गवर्नेस माइल्स से बैठकर बात करती है और उससे कहती है कि मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूं, इसलिए मुझे सब सच सच बताना। गवर्नेस उसे पूछती है कि क्या तुमने वो लेटर उठाया है जो कि तुम्हारे अंकल के लिए लिखा गया था। माइल्स कहता है कि उसे ऐसा लगा कि गवर्नेस ने उसके अंकल से उसकी कोई कंप्लेन करते हुए लेटर लिखा था, इसलिए उसने वो लेटर गायब कर दिया। गवर्नेस उसे पूछती है कि क्या स्कूल में भी तुमने कोई ऐसी हरकत की थी। माइल्स बताता है कि वो स्कूल में कुछ इविल वर्ड्स चैंट कर रहा था और ये बात हेडमास्टर को पता चल गई थी और बाकी बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े इसीलिए उन्होंने माइल्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया। गवर्नेस माइल्स से जानना चाहती है कि वो क्या वर्ड्स थे जिन्हें वो चैंट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक ही उसे माइल्स के पीछे वही विंडो पर पीटर क्विंट का घोस्ट दिखाई देता है। अचानक ही माइल्स गवर्नेस को नोटिस कर लेता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको विंडो के बाहर मिस जसल दिखाई दे रही है। गवर्नेस कहती है कि नहीं, वहां पीटर क्विंट है, क्या तुम्हें भी वो दिखाई दे रहा है। अब माइल्स जैसे ही पीटर क्विंट को देखने के लिए टर्न करता है, अचानक ही वो फेंट होकर गिर जाता है। तभी गवर्नेस को रियलाइज होता है कि माइल्स फेंट नहीं हुआ था बल्कि उसकी मौत हो गई थी। पीटर क्विंट के घोस्ट ने उसे जान से मार दिया था और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द टर्न ऑफ द स्क्रू की कहानी और इससे लेकर कई थियोरीज हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सो इस नोवेल की स्टोरी को लेकर एक सबसे पॉपुलर थ्योरी की माने तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पीटर क्विंट और मिस जसल दोनों ही उन दोनों बच्चों पर अत्याचार करते थे और उन दोनों का घोस्ट दिखना वॉज एक्चुअली ए सिंबल कि उन दोनों बच्चों को अपना पास्ट हॉन्ट कर रहा था जब उनके साथ वो सब बुरा हुआ होगा। पीटर क्विंट और मिस जसल का भी अफेयर चल रहा था, जहाँ इट वॉज पॉसिबल कि मिस जसल भी जानती थी कि पीटर क्विंट उन बच्चों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है एंड समहाउ वो फ्लोरा को इन्फ्लुएंस करके उसे चुप रखती थी। इट इज पॉसिबल कि उन बच्चों के अंकल को जब बात पता चली होगी तब उन्होंने पीटर क्विंट और मिस जसल को जान से मरवा दिया और अपनी फैमिली की रेप्यूटेशन बचाने के लिए उन्होंने इस बात को दबा दिया एंड समहाउ वो जानते थे कि उन बच्चों पर मेंटली एंड फिजिकली बहुत आघात हुआ है, इसीलिए वो इससे खुद डील करने की जगह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर्सन पे डाल देना चाहते थे, विच इन दिस केस वॉज द गवर्नेस। अब एक मजेदार बात यह है कि आप में से कई लोगों को यह स्टोरी कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स की ब्लाई मैनर की तरह लगी होगी एंड ऐसा लगना बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि
ब्लाइमेनों की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। अब ये तो थी एक थ्योरी, लेकिन कहानी में एक और अजीब थ्योरी ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि दरअसल वो गवर्नेस मेंटली स्टेबल नहीं थी और उसे ये सब हैलुसिनेशंस हुआ करता था एंड इट वॉज हर जिसने लास्ट में माइल्स को जान से मार दी। जी हाँ, यानी कि वो जो घोस्ट वगैरह देखती थी वो बस कहानी सुनकर अपने मन में मान ली थी, ऐसी दुनिया बना ली थी अपने लिए। वो कोई भी लेटर देखो लिखती थी लेकिन पोस्ट नहीं करती थी। इनफैक्ट माइल्स भी जो लेटर लिखता था वो भी पोस्ट नहीं करती थी। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इविल गवर्नेस ही थी, जस्ट दैट वो अपने माइंड में ऐसी चीजें बना लेती थी। ऑब्वियसली मेंटल इलनेस के कारण उसका हेलुसिनेशंस था और वही माइल्स को मारी, वही फ्लोरा को परेशान कर रही थी, लेकिन अपने मन के अंदर वो ब्लेम पीटर को डाल रही थी या फिर मिस जेसल को। अब तीसरी थ्योरी ये कहती है कि पीटर क्विंट और मिस जेसल का एक्चुअली में घोस्ट था जो कि उस बच्चे को मारा, और ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, इसलिए मैं इसे लास्ट में सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं। अब कहानी के एंडिंग में कुछ खास खुलासे या डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, विच कीप्स इट ओपन फॉर इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन, और तीनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह सही हो सकती हैं। आई मीन, इस पूरे नोवेल की कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि आप कोई भी थ्योरी फिट करें वो एकदम सटीक वे में फिट हो जाएगी। तो बस यही थी हेनरी जेम्स की नोवेल द टर्न ऑफ द स्क्रू की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन खुला है, वहां आप अपनी थ्योरी, अपनी इंटरप्रिटेशन सब कुछ लिख डालिए। मैं पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की सोच कहां तक जा रही है। और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।